दोस्तों, आप सब देख रहे हैं जादूगर राम यूट्यूब चैनल। आज आप सबको बाबा जी हवा में नींबू कैसे उड़ाते हैं वो दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करें। देखिए दोस्तों, बाबा जी खुले मैदान में भी नींबू उड़ाते हैं और ऊपर से ऐसे हाथ भी फेरते हैं कि धागा से लटका हुआ नहीं है। ये वीडियो आपको आज दिखा रहे हैं, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा खुले मैदान में हवा में ये नींबू उड़ा के। जी हाँ, खुले मैदान में हवा में ये नींबू उड़ा के दिखाऊंगा। आप लोग बोलते हो ना, धागा बांधा है, ये बांधा है, वो बांधा है। आज मैं आपको इस नींबू को खुले मैदान में हवा में उड़ा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, नींबू को हमने नीचे रख दिया है। आप इस पे अपनी शक्तियों का आवाहन करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भ्यो भट स्वाहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नींबू कैसे हवा में उड़ रहा है आपके सामने। हाथ फिरा के भी दिखा दिया। आप लोग बोलते हो कि हाथ नहीं घुमाता है, ये देखो हाथ भी हमने नींबू पे घुमा के दिखा लिया है। आप देखना ये नींबू कैसे हवा में जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं खड़ा उठ जाता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको कि ये नींबू कितने फुट ऊपर उड़ रहा है। आपने कई सारे बाबा लोगों को ऐसे उड़ाते हुए दिखाया होगा। यहाँ पे ये देखो कैसे हमारी मैजिक शक्ति से, जादुई पावर से ये नींबू हवा में उड़ रहा है। अब ये नीचे भी आएगा। जी हाँ, ये देखो मेरे हाथ पे नींबू आ चुका है। तो देखा आपने कैसे हमने इस मैजिक को किया, कैसे इस जादू को किया। अब आपको भी बताएंगे, बने रहना वीडियो पे, आपको बताएंगे कि इस नींबू को कैसे हवा में उड़ाया जाता है। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग एंड कमाल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और एक लाइक कर देना हमारे लिए। हम आपको ऐसे अंधविश्वास से दूर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कैसे ये उड़ाना है। तो दोस्तों, इस नींबू को उड़ाने के लिए जो है एक चीज की जरूरत पड़ती है, जो है इनविजिबल थ्रेड, यानी कि ना दिखाई देने वाला धागा, जिससे ये हमने अभी बांध रखा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इस नींबू को कैसे फ्लाई किया था अच्छे से समझाते हैं आपको। यहाँ पे हमने इसको एक धागे पे बांध रखा है। एक जो इनविजिबल थ्रेड आता है मैजिक शॉप पे, नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो, उस पे बांध रखा है। और उस पे ये नींबू जो है, हमारे पास दो पर्सन हैं। ये देखो, पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस पे हमने बांधा कैसे है। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये धागे पे लटक रहा है, पर ये धागा आपको नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे हाथ फिराएंगे तो ये ऊपर नहीं है, एक इस साइड से पकड़ा हुआ है बंदे ने, दो बंदों ने ये पकड़ा हुआ है इस साइड से एंड उस साइड से। यहाँ पे देखो, इस साइड में एक पर्सन है हमारे साथ जो कि इस धागे को ऑपरेट कर रहे हैं और इस साइड में एक पर्सन है जो कि इस धागे को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऊपर ये कितनी भी जा सकता है, जितना लंबा बंदा होगा उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से हमने धागा बांधा हुआ ही नहीं है। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे मैजिक लगाते हैं। तो यहाँ से मैजिक लगाने पे क्या होता है कि यहाँ वाले दोनों वाले एक ही टाइम पे इसको खींचते हैं और ये खींचते खींचते क्या होता है, बहुत ऊपर चला जाता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से। इसी लोग आपको, बाबा लोग जो है ऐसे ही आपको ग्राउंड में जो है नींबू उड़ा के दिखाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि ये नींबू तो बहुत ऊपर उड़ गया है, ये तो सच में कोई तंत्र शक्ति है। ये देखो, जैसे ये दो लोग खींचेंगे उस धागे को तो ये नींबू जो है बहुत ऊपर उड़ जाएगा।
ठीक है। अब ऊपर उड़ जाएगा, यहाँ पे देखो माइक थोड़ा निकल गया है, तो माइक को भी अच्छे से पहले कर लेते हैं। उन्होंने रस्सी को टाइट खींचेंगे, जितना टाइट खींचेंगे उतना ये ऊपर जाएगा, और जितना लूज छोड़ेंगे उतना ये नीचे आएगा। ये देखो यहाँ पे एक है हमारे साथ, मैम है, और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई है जो इस धागे को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करेंगे तो धागे से पीछे से करेंगे, प्लस ऐसे करेंगे तो धागे के ऊपर से करेंगे। देखो हम नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से ढोंग पाखंड जो बाबा लोग करते हैं, नींबू उड़ा के दिखाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो अंधविश्वास से दूर रहें। तो एक बात याद रखिएगा कि ये नींबू जो हवा में उड़ाने वाला जादू आइटम है ना, ये दुनिया में कहीं भी कोई भी जादूगर या कोई भी बाबा रियल में शो नहीं दिखाता है। रियल में यानी वो देखने जाओ तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वीडियो मिलेगा। वो बाबा अपने भक्तों को वीडियो भेजेंगे कि देखो मैं नींबू उड़ाता हूँ। नहीं तो अगर रियल में दिखाएंगे तो दोनों तरफ से जो खींचते हैं ना वो दिख जाएगा, दर्शक को पता चल जाती है। इसलिए केवल बाबा लोग वीडियो ही भेजते हैं अपने भक्तों को कि देखो मैं इतना ताकतवर हूँ, ऐसा मैं नींबू उड़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो धागा है न दिखने वाला, ये आप मंगाना चाहते हैं तो 400 रुपये का 25 मीटर धागा मिलेगा, इसी से आप उड़ा सकते हैं और केवल वीडियो बना के लोगों को दिखा सकते हैं, रियल में नहीं कर सकते। दोस्तों आप सब ने देख लिया कि नींबू हवा में कैसे उड़ाते हैं और सीख भी लिया नींबू कैसे हवा में उड़ाते हैं। दो तरफ एक एक बंदे रहते हैं, बीच में नींबू रहता है, धागा एक सिरा इधर एक सिरा इधर, वही ऐसे खींचते हैं तो ऊपर आता है और डाउन करते हैं तो नीचे। तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आप सबके लिए लाते रहेंगे। वीडियो से विदा लेते हैं, फिर बहुत जल्दी आएंगे। जय भारत माता की, जय हिंद, नमस्कार। अंतरु मंतरु जंतरु तुरुन्तै केटी बनन्तरु छु देख्नुभयो तपाईँ तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दै एउटा देव भन्ने केटोलाई यहाँ ल्याएर राखेको थिएँ र अहिले तपाईँहरू सामु स्वर्गकी देवी जस्तो बनाइदिएको छु। यसरी राम्री बन्न पाउँदा पनि तपाईँहरू यहाँ आउन हिचकिचाइरहनु भएको थियो। ल एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् तपाईँहरू, ल ताली बजाइदिनुहोस् ताली। र फेरि तपाईँहरूको लागि उही तपाईँहरूको साथी देव बनाएर पठाउँदैछु, फेरि म केटा बनाउँदैछु। ल यहाँ माथि बस्नुहोस्, राम्रोसँग यता फर्किनुहोस्, हात उठाउनुहोस्, ल हेर्नुहोस्, 1, 2, 3 अन्तरु मन्तरु जन्तरु पहिलाकै केटा बनन्तरु छु। जो जादुको कमाल।